दिस इज नॉट अ रेगुलर रेंज टेस्ट. ये गाड़ी है ना, ये 5 साल एंड 50,000 किलोमीटर चला है. बैटरी डिग्रेड होना चाहिए ना, ट्राई करके देख लेंगे आज. उसके साथ इसका परफॉर्मेंस भी देखने वाले हैं. इको मोड में स्कूटर डैशबोर्ड बोलता है कि 75 किलोमीटर का टू रेंज मिलता है, राइड मोड में 65 एंड स्पोर्ट्स मोड में 55. लेकिन डिग्रेड होगा तो इतना नहीं आना चाहिए. ओके, सो वी आर ट्राइंग टू गेट टू द हाईवे एंड रेंज थोड़ा सा कम होना चाहिए इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग बिकॉज ऑफ द बैटरी डिग्रेडेशन. रेंज अपडेट, सो फार हमने 7.9 किलोमीटर चलाया एंड 89% ऑफ चार्ज बचा है. द फर्स्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द स्कूटर ये है, इसमें कोई वॉक मोड नहीं है. इट ऑनली कम्स विद इको राइड एंड स्पोर्ट्स मोड एंड दिस स्कूटर कम्स विद अ बैटरी ऑफ 2.7 किलोवाट आवर. उसमें लेकिन द यूजेबल इज ओनली 2.4 किलोवाट आवर. द बैलेंस इसलिए रखते हैं ताकि बैटरी डीप डिस्चार्ज ना हो एंड उससे बैटरी खराब ना हो. ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ರೇಂಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 100 ಬರುತ್ತೆ. ಸೂಪರ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ 70. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನನ್ ವೇಟ್ ಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಒಂದು 90-95 ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಇದ್ರೆ 100-110. ಇವಾಗ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರೇಂಜ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಲಾ ಒಂದೇ. ಓಕೆ ಬಾಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಓಲಾ S1 ಪ್ರೊ. ಬಹುತ್ ಸುಂದರ ಕಲರ್ ಹೇ ಅಂಡ್ ಬೋಲ್ ರೇ ಥೆ ಕಿ ಉನ್ಕೋ ಉಸ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮೋಡ್ ಮೇ 98-100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಕಾ ರೇಂಜ್ ಆತಾ ಹೇ ಆಸ್ ಅ ಸೋಲೋ ಡ್ರೈವರ್. ರೇಂಜ್ ಅಪ್ಡೇಟ್, ಅಭಿ ತಕ್ ಹಮ್ನೆ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಚಲಾಯಾ ಅಂಡ್ 80% ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಚಾ ಹೇ. स्पोर्ट्स मोड में अभी भी दिखा रखे 43 किलोमीटर्स ऑफ रेंज बचा है एंड जब हमने रेंज से स्टार्ट किया था स्पोर्ट्स मोड में 55 किलोमीटर्स दिखा रहा था. अभी संदेह से हमको 58 किलोमीटर आ सकता है. उसका वजह ये भी है क्योंकि हम सिटी के अंदर चला रहे हैं, ज्यादा स्पीड भी नहीं चला रहे हैं. जैसे हम हाईवे चला जाएंगे तब पता चल जाएगा इसका रेंज कितना आता है. एक्चुअली ट्रैफिक में ऐसे सबसे पहले खड़े होना इन द फर्स्ट लेन, उसका मजा बहुत अलग है ना. ऐसा लगता है कि पूरे के पूरे थ्रॉटल करना है. कर ले, चलो 3-2-1 या वाओ वाओ. इतना भी नहीं लग रहा कि 5 साल पुराना गाड़ी है. 67, 70, 75. वाव, माइंड ब्लोइंग एक्सेलरेशन. कंट्रोल भी एकदम सही है. अमेजिंग अमेजिंग मैन. फिर से रेड आ गया. लेकिन चलो थोड़ा स्लो है इन कंपैरिजन टू द फोर्थ जनरेशन जो अभी है, बट स्टिल अगर एक्सपीरियंस की बात करें इट्स अमेजिंग अमेजिंग. अभी बिकॉज हमने फोर्थ जनरेशन चला लिया हमको लग रहा है कि स्लो है. सो फाइनली लास्ट 5-6 किलोमीटर से हम कॉन्स्टेंटली 55-60-65 स्पीड मेंटेन कर रहे हैं. रेंज अपडेट, सो फार हमने 28.9 किलोमीटर चलाया एंड 60% ऑफ चार्ज बचा है. डैशबोर्ड दिखा रहा है कि अभी भी 33 किलोमीटर ऑफ रेंज और आ सकता है. सो विच मीन्स अ टोटल ऑफ 58-60 किलोमीटर ऑफ रेंज जो इनिशियल 100% ऑफ चार्ज में जो दिखा रहा था उससे भी ज्यादा है. लेकिन लेट्स सी. रेंज अपडेट, सो फार हमने 36.8 किलोमीटर चलाया एंड 50% ऑफ चार्ज बचा है. लास्ट 10% ऑफ चार्ज हम कॉन्स्टेंटली 70 में ही चला रहे हैं. डैम व्हाट ए सस्पेंशन मैन, बैक फट गया. इफ यू नोटिस स्कूटर का स्लैंट बहुत ज्यादा है देन द 450X फोर्थ जनरेशन और थर्ड जनरेशन. इसका सीट हेड भी थोड़ा छोटा है. आई थिंक इट कम्स एट 765 mm. अभी वाला सीट्स आर एट 780 mm. एंड इसका सीट देखना है एक बार. उस एंटायर सीट में हाफ ऑफ द सीट इज फॉर द राइडर एंड हाफ ऑफ द सीट इज फॉर द पिलियन. जो बीच में है ना द स्लोप, अगर वहां बैठेंगे तो लोअर टेल बोन के पास बहुत पेन हो रहा है. आई थिंक उसके वजह से ही धीरे धीरे फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन दे अपग्रेडेड द स्कूटर सीट जिसका कर्व बहुत बहुत कम है. अभी एक्सट्रीमली कंफर्टेबल एंड नाउ. रेंज अपडेट, हमने सो फार 43.7 किलोमीटर चलाया, 40% ऑफ चार्ज बचा है. इसका जो थ्रॉटल एंड एक्सेलरेटर कैलिब्रेशन है विच इज अमेजिंग. बट इसको इस स्कूटर का ओनर ने 2 साल पहले रिप्लेस करवाया था बिकॉज इन द एक्सेलरेटर नॉब इनसाइड एक टेम्परेचर सेंसर होता है. वो क्या मेजर करता है आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, प्रोबेबली द एम्बिएंट टेम्परेचर, बट दैट सेंसर रिपेयर्ड एंड वो जितने भी घुमाए मैक्सिमम 25-30 km/h स्पीड तक ही जाता था. दे फिगर्ड दिस आउट एंड दे रिप्लेस्ड दिस एक्सेलरेटर. सो विच मीन्स एक्सेलरेटर कुड बी एन अपग्रेडेड वर्जन. वाओ, अब फिर से आ गए इन द फर्स्ट लेन, वो भी इन द हाईवे. चलो अब ट्राई करते हैं स्कूटर का मैक्सिमम स्पीड कितना है. वाओ वाओ, द इंस्टेंट एक्सेलरेशन आपने फील किया, दैट जर्क वाला. उस कार को हम क्रॉस कर सकते हैं क्या? नहीं यार वो चला गया. 85, 86, 88, 89. 5 साल पुराना गाड़ी है यार ये. वाव, 90, कम ऑन. फाइन. सो फार हमने 56.6 किलोमीटर चलाया एंड 19% ऑफ चार्ज बचा है. डैशबोर्ड बता रहा है कि हमको अभी 12 किलोमीटर और बचा है. आई एम मेकिंग इट टू 68 किलोमीटर ऑफ रेंज जबकि लास्ट 40% ऑफ चार्ज 60-65-70 km/h स्पीड में ही चला रहा है. अब इस स्कूटर का एक इंटरेस्टिंग थिंग इज यू कैन मेक मनी विद एथर फास्ट चार्जर. जो इस एथर स्कूटर का ओनर ने वेरी स्मार्टली ये किया कि अपने घर का
रियल एस्टेट में, मतलब उस घर के बाहर कॉम्पाउंड में एक फास्ट चार्जर स्टेशन लगवाने के लिए एथर को दे दिया। एंड वो लगवाने के लिए जस्ट एक पावर आउटपुट देना होगा, सम 3 kWh शायद। उतना अगर हम पावर आउटपुट वहाँ कैपेसिटी दे दें, एथर लोग आकर वहाँ खुद एक फास्ट चार्जर को सेटअप करेंगे। एंड बिकॉज वो हमारे घर में है, जो भी लोग आकर वहाँ पे चार्जिंग करेंगे, जो भी 1 rupee per minute पे करेंगे, उसमें सम चंक ऑफ मनी हमको आएगा एवरी मंथ। वैसे करते करते इस स्कूटर का जो ओनर है, उन्होंने हर महीने 2500 से 3000 तक कमा रहा है। जस्ट इमेजिन, अगर आपके पास कोई ईवी हो जिसको चार्ज करने के लिए हर मंथ 3000 या 4000 का खर्चा हो सकता है, ऐसे आप सोच रहे हैं, ऐसे आप फास्ट चार्जर रखने के लिए जगह दे देंगे तो आपका सारा खर्चा वहाँ से आ जाएगा। उसके ऊपर अपना घर का फास्ट चार्जर खुद वहाँ, जब चाहे तब आपको जल्दी जल्दी चार्ज चाहिए तो आप खुद वहाँ पे फास्ट चार्ज कर सकते हो। कितना कमाल का आइडिया। एंड इनफैक्ट उन्होंने कहा कि यही चीज़ आप ओला स्कूटर के साथ भी कर सकते हो। बोल्ट है, चार्जर है, एंड काफ़ी सारे स्टार्टअप्स, इफ़ यू वांट टू मेक मनी फ्रॉम चार्जर्स, गो अहेड एंड एक्सप्लोर दोस ऑप्शंस। ओके, सो रेंज अपडेट, हमने सो फार 62.8 किलोमीटर चलाया एंड 10% ऑफ चार्ज बचा है। डैशबोर्ड बता रहा है कि 6 किलोमीटर और आएगा। जैसे ही हमारा चार्ज 17% से नीचे गिर गया, ये खुद इको मोड में चला गया। उसके बाद हम स्पोर्ट्स मोड जा नहीं पा रहे हैं बिकॉज स्कूटर में स्मार्ट इको मोड नहीं है। अभी वाले जनरेशन में स्मार्ट इको है तो हम चार्ज कम होने पे भी स्पोर्ट्स मोड जा सकते हैं, लेकिन इसमें वो नहीं है। इसका परफॉर्मेंस को पुश करने के लिए मैं कॉन्स्टेंटली 55-56 में ही क्रूज कर रहा हूँ, जो इसकी मैक्सिमम स्पीड है इन इको मोड। अब बिकॉज इसमें चार्ज कम है, एंड या इस डैशबोर्ड आपको दिखाता हूँ, बिकॉज ये मेरा फेवरेट डैशबोर्ड है ऑफ एथर जो अभी है, अभी आने वाला है एथर स्टैक 6। उससे भी आई पर्सनली लाइक दिस डैशबोर्ड वेरी मच बिकॉज इट्स एक्सट्रीमली सिंपल, वेरी वेरी सिंपल टू यूज। सिंगल स्क्रीन में यू हैव द ट्रिप डिटेल्स, ऑडोमीटर, यू कैन रीसेट द ट्रिप, एंड ऊपर खींचेंगे तो नोटिफिकेशन बार जहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स देख सकते हो, सेटिंग्स देख सकते हो, और लेफ्ट साइड में यहाँ पर नेविगेशन। सो आई विश ऐसा अपडेट्स आ जाए ऑन द एथर डैशबोर्ड जहाँ पर स्कूटर खुद रिकॉग्नाइज करेगा कि चार्ज कम है, एंड एक पॉपअप आना चाहिए ऑन द डैशबोर्ड सेइंग दैट योर स्कूटर इज लो ऑन चार्ज एंड देयर इज अ फास्ट चार्जर नियर बाय इफ यू वांट टू चार्ज हियर, बिकॉज स्कूटर नोस दैट इट इज लो ऑन चार्ज एंड इट इज अप टू द यूजर टू यूज द नेविगेशन और नॉट, बिकॉज इन देन एथर हैज टू मेक श्योर दैट द कस्टमर विल रीच होम सेफली विदाउट एनी प्रॉब्लम विद द स्कूटर और द रेंज। इसमें दिखा रहा है कि यहाँ पास पर जो चार्जर है हैंग आउट एट नंदी, यहाँ दिखा रहा है कि टेम्पररी आउट ऑफ सर्विस, जो हमने अभी अभी क्रॉस किया 2 किलोमीटर पहले द गो कार्टिंग जोन वाला फास्ट चार्जर, वो भी दिखा रहा है कि टेम्पररली आउट ऑफ सर्विस है। यहाँ से नजदीक वाला जो काम कर रहा है विच इज द संगीता मोबाइल 8 किलोमीटर अवे, तो हमारे पास तो सिर्फ 5 किलोमीटर का रेंज बचा है गो कार्टिंग जोन वाला चार्जर के पास जाकर, वहाँ देखते हैं वहाँ क्या हाल है। सो ये है एक्सट्रीम गो कार्टिंग जोन। द चार्जर इज नॉट वर्किंग मैन, या इट इज नॉट वर्किंग मैन, द रेड कलर ऑन द चार्जर इंडिकेट्स इट इज नॉट वर्किंग। लेकिन अब हमारे पास रेंज भी नहीं है, रेंज सिर्फ 2 किलोमीटर बचा है। सो बेसिकली हम यहाँ फंस गए, बैड अर्थिंग, अनप्लग द चार्जर केबल एंड प्लग इट बैक अगेन। बहुत धूप है यहाँ पर, छाए में आएंगे। वेलकम टू एथर एनर्जी, फॉर इंग्लिश प्रेस 1, फॉर हिंदी प्रेस 2। आई एम नियर अ फास्ट चार्जिंग स्टेशन सर, एक्चुअली द ग्रिड इज अंडर मेंटेनेंस सर, इज नॉट वर्किंग। ओके, देयर इज वन मोर चार्जर नियर बाय हियर, इट्स कॉल्ड हैंगआउट्स एट नंदी सर, इट्स आल्सो अंडर मेंटेनेंस सर। ओह डैम, रियली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस सर। या फाइन मैन, थैंक यू। हाँ, फाइनली देर इज़ अ गुड न्यूज़। अगर कोई रेंज एंग्जाइटी के बारे में बात करें, उसका पूरा एक्सपीरियंस आज मैंने कर लिया है। आई थॉट कि चार्जर काम नहीं कर रहा, वी ट्राइड द कस्टमर केयर, उनसे भी कुछ हो नहीं पाया। वो कह रहे थे कि एक ही चार्जर है, रिपेयर है, तो लोग आके रिपेयर करेंगे, उसके लिए टाइम लगेगा, एंड देर इज़ नो अदर चार्जर नियर बाय, रेंज नहीं है, सो दे आर ऑल्सो हेल्पलेस, आई कैन अंडरस्टैंड। बट फॉर्चुनेटली ये निकला, व्हेन आई स्पोक टू द लोकल्स अराउंड, ये पता चला कि ये दिस इज़ नॉट अ चार्जर रिपेयर, इट इज़ अ पावर कट। बट ऐप में दिखा रहा था इट इज़ टेम्पररली क्लोज्ड। आई थिंक इस फीचर को थोड़ा ठीक करना चाहिए। आई एम नॉट श्योर हाउ दे विल फिगर आउट इफ इट इज़ अ पावर कट और अ टेम्पररी सर्विस इशू, बट इट वॉज अ पावर कट। एंड बता रहे थे कि यहाँ पर शाम तक देर इज़ ए नो चांस फॉर द पावर टू कम बैक, बट वेरी लकीली अभी आया पावर। वी हैव 6 किलोमीटर्स नाउ, एंड इन फैक्ट इस स्कूटर में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, बिकॉज दिस इज़ अ 5-year-old स्कूटर, इसमें कोई चार्जिंग लिमिट नहीं है कि 80% तक ही करेगा, ये पूरा का पूरा इट कैन चार्ज टिल 100%, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है, यू कैन चार्ज टिल 100% ऑफ चार्ज जस्ट विद द फास्ट चार्जर। एंड मैंने ये सुना फ्रॉम दैट ओनर दैट इवन दिस इज़ फ्री बिकॉज इट इज़ अर्ली अडॉप्टेड स्कूटर, फास्ट चार्जिंग इज़ फ्री टिल 100%। अमेजिंग नो? अब थोड़ा शांति से थोड़ी देर बैठूंगा एंड सी यू विद द कंक्लूजन। इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस इट वॉज अमेजिंग, इट वॉज नेवर अ कॉम्प्रोमाइज, रेंज कभी ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं हुआ, एंड जितना दिखाया था उससे भी ज़्यादा रेंज आया,
एंड हम कॉन्स्टेंटली वी वर एबल टू क्रूज एट 75-80 km/h एंड अकेशनली हम 90 km/h स्पीड में भी गए हैं. एंड एट एनी पॉइंट ऐसे कभी नहीं लगा कि मोटर हीट हो रहा है, बैटरी हीट हो रहा है, मैक्सिमम स्पीड नहीं आ रहा, ऐसा कभी भी फील नहीं हुआ. एंड इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेटर रिस्पॉन्स ऑल्सो इट वॉज अमेजिंग. थोड़ा सा भी हिलाओ द एक्सेलरेटर, सम 1-2 km/h का फ्लक्चुएशन आ जाएगा. इट इज़ दैट क्लियरली एंड सटली कैलिब्रेटेड विच इज़ अमेजिंग. इन टर्म्स ऑफ सीट कम्फर्ट इज रियली रियली बैड. सो यहाँ पर दिस स्लोप इज समथिंग विच इज़ क्रिएटिंग अ ह्यूज ट्रबल. उसके साथ द सस्पेंशन इज ऑल्सो नॉट दैट ग्रेट. ये बहुत स्प्रिंगी स्प्रिंगी सा है. एवरी स्मॉल चेंज ऑन द रोड यू विल फील इट, विच इज़ क्वाइट बैड टू ड्राइव और स्पेसिफिकली ऑन अ लॉन्ग ड्राइव आई थिंक. एंड इसलिए शायद अपकमिंग जनरेशन स्टार्टेड टू हैव हार्डर सस्पेंशन. इतने सारा बम्प्स नहीं होगा. एंड इतना सारा करने के बाद वी गॉट अ रेंज ऑफ 65.2 km एंड 2 km और बचा था, विच मीन्स वी विल गेट अराउंड 67-68 km इन स्पोर्ट्स मोड इन एथर 450, 5 साल पुराना 50,000 km चलाने के बाद. अमेजिंग. ऑफकोर्स फर्स्ट 20% ऑफ द राइड वी ड्रोव इनसाइड द सिटी, बट इट विल ऑल्सो मीन हमने बार बार एक्सेलरेट किया ट्रैफिक में, बार बार ब्रेक किया, सारा का सारा मोमेंटम हमने वेस्ट किया. उसके बावजूद 68 km इज अमेजिंग. स्टिल ये कन्विंसिंग नहीं है ना, 5 साल के बाद 50,000 km चलाने के बाद बैटरी डिग्रेड नहीं हुआ. यही चीज़ कन्फर्म करने के लिए हमने 2 more tests कर रहे हैं. सबसे पहला सोलो राइड में इको मोड एंड सेकेंड पिलियन राइडर के साथ स्पोर्ट्स मोड. एंड दीज टू वीडियोज़ का लिंक्स मैं यहाँ डाल रहा हूँ एंड दीज टू विल कन्फर्म क्या इसमें बैटरी डिग्रेशन हो रहा है, अगर हुआ तो कितना हुआ. चलो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.